नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में एक नए टॉपिक के साथ जो कि है इंडेमनिटी एंड गारंटी, बहुत बहुत स्वागत है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज इंडेमनिटी एंड गारंटी। ये गारंटी का जो हम मतलब है ये यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के परस्पेक्टिव में। तो गारंटी हम बाद में समझेंगे, यहाँ सेल ऑफ गुड्स से जो हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ते हैं गारंटी, वो गारंटी की बात हम यहाँ नहीं कर रहे। यहाँ हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, यानी कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसमें गारंटी का क्या मतलब होता है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं आज इस क्लास में। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे इंडेमनिटी को। तो इंडेमनिटी और गारंटी समझने के बाद अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कैसे करना है, रेड कलर का सब्सक्राइब का एक बटन है वीडियो के साथ में ही, उसको आपने प्रेस कर देना है और वहीं बराबर में बेल आइकन भी है जिसको भी आपने प्रेस कर देना है। और बाकी की पिछली गई हुई वीडियोस आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वीडियो के जहाँ टाइटल लिखा है टाइटल के बराबर में एक आपको एरो दिखेगा, उस एरो पे क्लिक करके नीचे आपको सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और आगे कोई वीडियो ना आप रह जाए उसके लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। लेकिन कैसे अगर आपको इंडेमनिटी गारंटी समझ आ जाता है तो इंडेमनिटी क्या होता है? इंडेमनिटी का मतलब होता है कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को ये बोलता है कि अगर आपको कोई भी नुकसान होता है, कैसा नुकसान, या तो मेरी वजह से या फिर किसी और की वजह से, तो उसको कंपेंसेट जो है मैं करूंगा, ये बोल रहा है इंडेमनिफायर। अब मैंने आपको एक वर्ड यूज किया है इंडेमनिफायर, यानी कि जो प्रोमिसर है जो ये कह रहा है किससे, जैसे हमने ए और बी दो पार्टीज बना ली, ए को बी ये बोलता है, बी प्रॉमिस कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है किसको, ए को, क्या कि अगर आपको कोई भी नुकसान हुआ किस वजह से, या तो मेरी वजह से या फिर किसी और की वजह से, तो आपका जो नुकसान होगा उसकी भरपाई मैं करूंगा, इसको बोला गया इंडेमनिफाई, यानी कि लॉस को इंडेमनिफाई करना, कंपेंसेट करना कौन करेगा, जो कि प्रॉमिस कर रहा है। जैसे कि मरीन इंश्योरेंस हुआ, फायर इंश्योरेंस हुआ, ये सब आता है किसमें, इंडेमनिटी में। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस जो है वो इंडेमनिटी में नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा, लाइफ इंश्योरेंस इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता है। और हमने बात करी बी ने ए को ये बोला कि अगर आपको कोई नुकसान होता है या तो मेरे कंडक्ट की वजह से या किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो आपके जो नुकसान होगा उसकी भरपाई मैं करूंगा। तो क्योंकि बी प्रॉमिस कर रहा है तो उसको हमने बोला है इंडेमनिटी फायर, और क्योंकि इसको प्रॉमिस दिया जा रहा है इसको बोला है इंडेमनिटी होल्डर। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोले इंडेमनिटी होल्डर, यानी इसके पास इंडेमनिटी है कि अगर कोई नुकसान हुआ तो कौन भरपाई करेगा, बी की, बी करेगा। लेकिन यहाँ एक बात हमें ध्यान रखने वाली है और वो ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड नहीं है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जो जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो सब इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है ए को कंपेंसेट नहीं करेगा, इंडेमनिफाई नहीं करेगा। जैसे क्या इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, बी ने ए को ये बोला आप सी के घर में आग लगा दो और जो भी आपके नुकसान होगा उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। अब ए ने किया वही जो बी ने कहा, सी के घर में आग लगा दी। अब क्योंकि सी के घर में आग लगाना अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है तो उसने क्या किया, बी ने बाद में मना कर दिया मैं आपको कंपेंसेट नहीं करूंगा। तो क्या बी ए से पैसे मांग, सॉरी ए जो है वो बी से पैसे मांग सकता है? देखिए बी ने, ए ने बी के कहने पे सी के घर में आग लगा दी। अब ऐसा हो सकता है क्या ए जो है बी के पैसे ना देने पे, कंपेंसेट ना करने पर उससे मांग सके? जी नहीं मांग सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो था कॉन्ट्रैक्ट का जो ए और बी ने किया था वो अनलॉफुल था। तो इसका मतलब सी के घर में आग लगाने के बाद ए को जो नुकसान हुआ वो बी से नहीं मांग सकता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जो कॉन्ट्रैक्ट जो प्रॉमिस कर रहा है या प्रोमिसर है उसको इंडेमनिफायर बोलते हैं, और जो उसके पास प्रॉमिस है या जो जिससे प्रॉमिस किया जा रहा है, जिसके लॉस को कंपेंसेट करने के लिए
प्रॉमिस किया जा रहा है उस पर्सन को बोला गया इंडेमनिटी होल्डर, क्योंकि वो अपने नुकसान की भरपाई कहाँ से करा सकता है, करा सकता है प्रोमिसर से, या हमने बोला इंडेमनीफायर से। अब हम चलते हैं गारंटी पे। अब गारंटी क्या होता है, गारंटी में देखिए दो पार्टीज हुई ए एंड बी, और ए ने बी को ये बोला कि आप मेरे लिए कुछ गुड्स प्रोड्यूस करके दीजिए जो कि आप करते हैं। से बी जो है वो बैट बनाता है, स्पोर्ट्स की फैक्ट्री है इसकी, तो ये बैट बनाता है, क्रिकेट के बैट बनाता है। अब इसने जो है ये बोला, इसने बोला ए ने, आप मुझे 1000 बैग बना करके दीजिए, क्या आप देंगे? बी ने बोला जी दे दूंगा, लेकिन पैसे, बोला मैं दे दूंगा पैसे, बोलते हैं मुझे आप पे विश्वास नहीं है। बी ने ए को बोला मुझे आप पे भरोसा नहीं कि आप बैट बनाने के जो पैसे हैं वो मुझे दे देंगे। अब बी ए के ए ने बोला सी को कि क्या आप मेरे बिहाफ पे ये उसको प्रॉमिस कर देंगे कि मैं पैसे दे दूंगा? तो ए के कहने पे सी जो है अपनी श्योरिटी दे देता है। क्या दिया है? श्योरिटी। क्या श्योरिटी दी है? कि हाँ अगर ये पैसे नहीं देगा, ए पैसे नहीं देगा, तो पैसे कौन देगा? मैं दूंगा। तो ये चीजें जो है कहाँ पर आ गई? गारंटी में। यानी इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि अगर ये पैसे नहीं देगा तो आपको बल्लों के पैसे मैं दूंगा। तो ये हुआ गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट, जिसके कहने पे श्योरिटी ने बी को गारंटी दी ए की, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर, और जो कि बी को गारंटी दी गई है इसको बोलते हैं क्रेडिटर, और जिसने गारंटी दी उसको बोलते हैं श्योरिटी, क्योंकि उसने अश्योर किया कि अगर ये पेमेंट नहीं देगा तो पेमेंट मैं दूंगा। तो यानी कि गारंटी में कितनी पार्टीज हुई? 3 पार्टीज हुई, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी। तो प्रिंसिपल डेटर क्या होगा? प्रिंसिपल डेटर के कहने पे, रिक्वेस्ट पे सी जो है एज ए श्योरिटी काम करेगा उसके लिए, और अगर कोई डिफॉल्ट होगा तो क्या करेगा? बी को उसकी जगह पर पैसे देगा। तो ये हमने ध्यान रखना है। लेकिन जब हमने इंडेमनिटी की बात की तो ध्यान रखिएगा वहां पर दो लोग थे, एक इंडेमनिफायर और एक इंडेमनिटी होल्डर, और गारंटी में कितने लोग हुए? 3 लोग हुए। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इंडेमनिफायर जो होता है वो अपने आप से इंडेमनिटी होल्डर के लिए काम करता है, लेकिन गारंटी में प्रिंसिपल डेटर के कहने पे श्योरिटी जो होता है वो क्रेडिटर को उसकी गारंटी देता है और वो डिफॉल्ट के केस में पैसे लेता है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंडेमनिटी फायर के जो राइट्स हैं वो डिफाइन नहीं किए गए, लेकिन ये बताया गया जो श्योरिटी की राइट्स हैं लगभग वही राइट्स इंडेमनिटी होल्डर के भी होते, इंडेमनिटी फायर के भी होते हैं। लेकिन राइट जो इंडेमनिटी फायर के है वो हमें पता है श्योरिटी जैसे है, लेकिन इंडेमनिटी होल्डर के क्या है? तो सबसे पहले राइट तो यही है कि अगर इंडेमनिटी फायर को नुकसान हुआ, जैसे कि हमने बात करी थी ये वाले से पिछले वाले की, अगर आपको कोई नुकसान हुआ तो कौन भरपाई करेगा? बी कह रहा है मैं करूंगा। तो इंडेमनिटी होल्डर जो है उसका सबसे पहला अधिकार क्या है, जो भी नुकसान के लिए दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो बी से मांग सकता है। और ये कैसा होना चाहिए? हमें पता है लॉफुल होना चाहिए नुकसान, जितना भी नुकसान हुआ है वो अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं होना चाहिए, और ये बी से यानी कि जो इंडेमनिटी फायर है उससे इंडेमनिटी होल्डर मांग सकता है अपने जितने भी कंपनसेशन बनता है। और हमने कहा इसके जो इंडेमनिटी फायर है उसके राइट्स क्या होंगे? वो श्योरिटी जैसे होंगे। अब श्योरिटी की हम बात कर लेते हैं कि श्योरिटी के क्या राइट्स होते हैं। तो श्योरिटी के जो राइट्स होते हैं वो 3 तरीके के हैं। सबसे पहला अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, दूसरा अगेंस्ट द क्रेडिटर, और तीसरा है अगेंस्ट द क्योर श्योरिटी। लेकिन उससे पहले हमें ये बात भी करनी जरूरी है कि गारंटी कितने तरीके की होती है। हमने यहाँ बात करी कि ये जो हो रहा है श्योरिटी जो हो रहा है वो गारंटी दे रहा है प्रिंसिपल डेटर की, ताकि क्रेडिटर को कोई नुकसान ना हो। तो गारंटी कितने तरीके की होती है हम ये भी बात कर लेते हैं। गारंटी जो होती है वो कई तरीके की होती है। सबसे पहली होती है एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल। तो एब्सोल्यूट क्या होती है? एब्सोल्यूट का मतलब तो ये हुआ कि विदाउट एनी काइंड ऑफ कंडीशन कंप्लीट है, यानी उसमें कोई भी कंडीशन इम्पोज नहीं की, सी साफ साफ बता दिया कि इस तरह से होगा गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कंडीशनल का होगा जो सर्टेन सर्कमस्टांसिस के ऊपर बेस्ड बनाया, और अगर वो सर्कमस्टांसिस होंगी तभी गारंटी को आप जो है, तभी श्योरिटी जो है गारंटी के लिए
कहा जा सकता है, अदरवाइज नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव भी बनाई गई। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब अभी के लिए, आप हाल फिलहाल के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट बना है और हाल फिलहाल के लिए ही उसमें जो है श्योरिटी जो है अपनी श्योरिटी दे रहा है, गारंटी दे रहा है। लेकिन प्रोस्पेक्टिव का मतलब फॉर फ्यूचर, तो फ्यूचर के लिए अगर गारंटी मांगी जाती है श्योरिटी से तो उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव गारंटी। तो हमने पढ़ा एब्सोल्यूट कंडीशनल, रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव। अब आगे की गारंटीज को भी हम पढ़ते हैं कौन कौन सी। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास जनरल एंड स्पेशल गारंटी। तो जनरल गारंटी क्या होती है? जनरल का मतलब होता है कि किसी के लिए भी, मतलब एट ए पब्लिक, एट लार्ज फॉर पब्लिक बना है, यानी कि पब्लिक के लिए जो गारंटी बनाई गई है उसमें मेंशन नहीं हुआ कि किस पर्टिकुलर बंदे के लिए है, उसको बोला गया जनरल गारंटी। लेकिन जब स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए बोला गया है उसको स्पेसिफिक या स्पेशल गारंटी बोला गया। फिर आ जाइए नेक्स्ट, जो कि हमारे पास है अनलिमिटेड एंड अनलिमिटेड। नाम से पता चल रहा है लिमिटेड का मतलब सर्टेन अमाउंट फिक्स्ड है। जैसे कि हमने बात करी थी कि ए और बी दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, सी को बोला अगर सी नहीं, सॉरी अगर ए नहीं पे करेगा तो कौन पे करेगा? सी। लेकिन अगर मान लिया जाए इन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट 5,000 का हुआ, लेकिन सी ने बोला मैं श्योरिटी देता हूँ 3,000 रुपये की, तो अगर ये डिफॉल्ट हो जाता है, पेमेंट नहीं करता है 5,000 रुपये की, तो श्योरिटी सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये पे करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। ये तो लिमिटेड हुआ क्योंकि उसकी लिमिट जो है पहले से बांध दी गई। लेकिन अनलिमिटेड में जितनी भी उसको लॉस होगा जैसे जैसे होगा, यानी कि अगर इंटरेस्ट भी कोई बनता है तो कौन देगा? सब श्योरिटी देगा। तो लिमिटेड, अनलिमिटेड, जनरल, स्पेशल, और हमने पढ़ा था रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल। इसके अलावा एक नेक्स्ट है, दैट इज अबाउट कंटिन्यूइंग गारंटी। अब कंटिन्यूइंग गारंटी का क्या मतलब होता है? कंटिन्यूइंग गारंटी का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो बना है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, वो इस तरीके का है कि वो एक्रू होंगे लॉसेस जो होंगे या प्रॉफिट्स होंगे, मतलब साल दर साल चलता रहेगा, और उन साल दर साल के लिए ही जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया उसमें श्योरिटी को भी रखा गया। जैसे ने बी को बोला कि आप मेरे लिए रेंट इकट्ठा करके देंगे जमींदारी का, जो कि आप किसके थ्रू करा रहे हैं? वो सी के थ्रू करा रहा है। तो जितना भी जमींदारी का रेंट होगा साल दर साल, वो कब कितना बोला गया? अमाउंट बोला गया 5,000। तो अब 5,000 रेंट जितने साल में कवर होगा उतने साल के लिए सी को बनाया गया श्योरिटी। तो ये हुआ कंटिन्यूइंग गारंटी, यानी कि चलती रहेगी जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो जाता। अब हमने बात करी गारंटी की, तो गारंटी में कुछ ना कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। अब वो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो है उसमें कोई ना कोई डेट होना चाहिए, प्रिंसिपल डेट होना चाहिए। सबसे तो गारंटी के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? सबसे पहला है प्रिंसिपल डेट, यानी कि कुछ ना कुछ उधार होना चाहिए जिसके की बेस पे गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जैसे हमने बात की ए ने बी को बैट्स बनाने के लिए कहा, तो बी ने जो बैट बनाए हैं वो उधार हो गए एक तरीके से ए के ऊपर। इसके लिए सी ने गारंटी दी कि अगर ए पेमेंट नहीं करेगा तो मैं क्या करूंगा? श्योरिटी की तरह काम करूंगा। तो प्रिंसिपल डेट होना चाहिए। कंसिडरेशन, ईच एंड एवरी पार्टी आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी गेन समथिंग, यानी कि ईच एंड एवरी पार्टी इज गेनिंग समथिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कुछ ना कुछ सबको मिल रहा है, जैसे प्रिंसिपल डेटर को तो श्योरिटी मिल गई, क्रेडिटर को भी श्योरिटी मिल गई कि पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जो है श्योरिटी उसको क्या मिला? श्योरिटी को मिला प्रॉमिस, यानी कि ए ने कहा कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ जो है क्या होगा कि आप जो है मुझे गुड्स दे दीजिएगा, उसके बिहाफ पे अगर मैं नहीं पे कर पाया तो सी पे करेगा। जैसे कि ए ने सी को रिक्वेस्ट करी, सी के बेस पे प्रॉमिस कर दिया बी ने ए को कॉन्ट्रैक्ट जो है गुड्स देने के लिए। तो जो प्रॉमिस है वो उसको मिला है कंसिडरेशन में। तो यानी कि हर एक पार्टी कुछ ना कुछ इसके साथ गेन कर रही है। अगर कॉम्प्लिकेशन है तो देखिए समझ लीजिए, ए ने बी को कॉन्ट्रैक्ट जब कर दिया था उससे पहले सी को इंट्रोड्यूस कर दिया एज ए श्योरिटी, लेकिन ये तो हुआ एज ए प्रॉमिस। जब उसने रिक्वेस्ट करी तो प्रॉमिस कर दिया उसने कि ठीक है मैं जो है आपकी गारंटी लेने के लिए तैयार हूँ। सी ने बी को बोला कि मैं गारंटी लेने के लिए तैयार हूँ ए की कि वो पैसे देगा, तो आप प्रॉमिस करिए कि आप उसे गुड्स दे देंगे। तो ये तो कंसिडरेशन हो गया सी के लिए। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। लेकिन हम बोल रहे हैं इसको कैसे समझ में आएगा कि आप कैसे बताएंगे कि ये जो है
कंसिडरेशन नहीं है सी के लिए, वो ऐसे पता चलेगा कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में ए अपनी पेमेंट पे डिफॉल्ट में था, अब उसने बाद में सी को बोला या सी ने आके कहा, बोला नहीं, सी ने आके कहा कि आपके हिस्से की पेमेंट मैं कर देता हूँ, बी को जाकर के बोला ए के हिस्से की पेमेंट मैं कर देता हूँ, तो ये जो है ये कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया और होने के बाद उसको एज ए प्रॉमिस कुछ नहीं मिला सी को, तो ये जो है कंसिडरेशन में नहीं आता है। फिर आ जाइए नो मिसरिप्रेजेंटेशन एंड कंसीलमेंट, यानी कि जो जो चीजें जिन जिन बातों पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ए और बी के बीच में, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी नोन टू द श्योरिटी। श्योरिटी को हर चीज पता होनी चाहिए, ना तो उसे मिसरिप्रेजेंट किया जाए और ना ही उससे कुछ चीज कंसील की जाए, ना तो उसे सब छुपाया जाए और ना उसे किसी चीज को धोखा दिया जाए। इसके अलावा को श्योरिटी डज नॉट ज्वाइन, अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा को श्योरिटी है, या बोले हम एक से ज्यादा श्योरिटीज हैं, तो उसकी इसमें कैसे होगा, देखिए अगर एक श्योरिटी है वो हमें समझ में आ गया, लेकिन अगर एक से ज्यादा श्योरिटी है तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा ए और बी दो पार्टी, ए प्रिंसिपल डेटर, बी क्रेडिटर और सी श्योरिटी, समझिए डी भी श्योरिटी और ई भी श्योरिटी। तो एक से ज्यादा श्योरिटी हो गई कि अगर ए डिफॉल्ट पे हुआ पेमेंट पे तो कौन पे करेगा, ये दोनों थे तीनों पेमेंट करेंगे, लेकिन अगर इनकी प्रोपोर्शन अलग अलग है, से इसने बोला ये 1000 रुपए पे करेगा, टोटल जो प्रिंसिपल डेट है से 5000 रुपए का ए डिफॉल्ट पे आ जाता है, इसने बोला कि मैं 1000 रुपए की अपनी गारंटी ले रहा हूँ, ये 2000 की और ये भी 2000 की, तो इसको अगर ये 5000 का डिफॉल्ट है ये तो अपना 1000 रुपए पे कर देगा और ये 2000 रुपए पे करेंगे, यानी जितनी जिस अमाउंट में दोनों तीनों ने गारंटी ली उस अमाउंट में। ये भी हो सकता है कि इक्वालिटी हो, यानी कि तीनों ने बोला कि अगर हम कितना कितना का गारंटी ले रहे हैं 1000 की, तो अगर इसने 5000 का डिफॉल्ट करा तो गारंटी कितने की पे करेंगे, बी को, ये सिर्फ 3000 रुपए पे करेंगे। तो जिस प्रोपोर्शन में गारंटी हुई है उसी तरीके से क्या हो रहा है, श्योरिटी के बीच में जो बात कर रहे हैं हम डेट की वो डिवाइड हो जाएगा। तो अगर को श्योरिटी ज्वाइन नहीं करता है तो जो श्योरिटी ऐसे इसने तो जो है अपने पेमेंट दे दी और इसने नहीं दी तो उस केस में ये लायबल नहीं है इनकी पेमेंट का, या हम बोले इसको नहीं बोल सकते कि आप सारी पेमेंट कीजिए। अगर को श्योरिटी मना कर देते हैं तो ये सिर्फ अपने हिस्से का अपने पार्ट का करेगा और बाकी के पार्ट का ये करने के लिए लायबल नहीं है। तो अब हमने बात करी राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट आ प्रिंसिपल डेटर, तो प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्या राइट्स हैं श्योरिटी के। सबसे पहला तो यही है कि राइट ऑफ सबरोगेशन, जो कि सेक्शन 140 में कवर किया गया। सबरोगेशन का मतलब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी पढ़ते हैं, जहाँ पे ऐसे होता है कि जो पर्सन गारंटी ले रहा है, हमने पता है कौन गारंटी ले रहा है, श्योरिटी, तो श्योरिटी गारंटी ले रहा है, तो जब प्रिंसिपल डेटर का कर्जा श्योरिटी ने दे दिया, यानी ए का कर्जा बी को किसने दिया, सी ने दिया, तो जो इसके 1000 रुपए बी ने ए से लेने थे, अब क्या हुआ को इसने मना कर दिया तो किसने लिए, 5000 रुपए इसने दिए, अब 5000 रुपए इसको जो है कहाँ से मिलेंगे, नुकसान में रहेगा क्या, नहीं, जो भी प्रॉपर्टी इसकी होगी जिसके बेस पे इसने कर्जा लिया था, या फिर हम बात करें जो भी इस ये दे सकता है वो देगा किसको, सी को। तो सबरोगेशन का मतलब कि जो शूज है, जूते हैं बी के, या फिर हम बोले क्रेडिटर के, वो कौन पहन लेगा, सी। तो यानी कि पेमेंट देने के बाद जितनी पेमेंट की इसने श्योरिटी एज ए श्योरिटी गारंटी ली थी वो पेमेंट ये क्रेडिटर को तो दे देगा, इसकी बात तो हो गई खत्म, ये तो गया बाहर, लेकिन अभी ये जो पेमेंट इसने दी है इसकी भरपाई ए को करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये बी बन गया है, ये क्रेडिटर हो गया है, कितने रुपए का, 5000 रुपए का, तो ये हुआ सबरोगेशन। फिर हो गया इंडेमनिटी, अब इंडेमनिटी का मतलब जो लॉस कंपेंसेट करना है, ये जो लॉस हुआ इसको 5000 रुपए का इसकी श्योरिटी दी थी उसका अधिकार है इसे 5000 रुपए लेने का। फिर आइए अगेंस्ट द क्रेडिटर, तो क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या क्या है, क्रेडिटर के अगेंस्ट ये है कि जब उसने क्रेडिटर के बिहाफ पे पैसे दे दिए तो क्रेडिटर पिक्चर से निकल गया, अब जो राइट बनेंगे इसके एज ए क्रेडिटर जो थे 5000 रुपए लेने के, इससे वो किसके हो गए, सी के।
नेक्स्ट आ जाता है अगेंस्ट कोश्योरिटी। तो कोश्योरिटी के लिए हमने पढ़ लिया जितने के लिए लायबल था उतने पेमेंट देगा, और अगर उनके बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है तो वह दूसरे श्योरिटी से ले सकता है। अब आ जाइए डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी का जो हम बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट से वापसी, ये कॉन्ट्रैक्ट से कैसे निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, सबसे पहले रिवोकेशन बाय नोटिस। सेक्शन 130 में है कि वो नोटिस दे करके कि मैं कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल रहा हूँ, किसी कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी बात हो सकती है, या जिसकी वजह से दोनों ने, ए और बी ने कुछ डिफॉल्ट किया और उसकी वजह से जो है कंटिन्यूइंग गारंटी ऐसे फॉर एग्जांपल, तो कंटिन्यूइंग गारंटी में कुछ लंबे टाइम के लिए कुछ जो हमने टाइम पीरियड रखा था कि इतने टाइम पीरियड तक आपको कवर करके देनी होगी गारंटी, उस बीच में वो चाहे तो नोटिस दे करके अपने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है। लेकिन उसके नोटिस देने से पहले जितने की गारंटी उसने ली थी वो सारी उसे पे करनी पड़ेगी। नोटिस देने के बाद अगर कोई उनके बीच में डिफॉल्ट होता है तो उसके लिए वो कौन श्योरिटी लायबल नहीं है। फिर आ जाइए रेवोकेशन बाय डेथ। तो अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी खत्म हो जाता है, लेकिन इसमें भी वही अप्लाई होता है, डेथ से पहले अगर कोई उसने गारंटी ली है या कोई डिफॉल्ट हो रहा है तो वो उसको पे करना पड़ेगा, और डेथ के बाद हो तो उसके लिए वो लायबल नहीं है। फिर डिस्चार्ज बाय, यह है वेरिएशन इन कॉन्ट्रैक्ट इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर अगर दोनों कॉन्ट्रैक्ट की कुछ भी कंडीशंस में वेरिएशन करते हैं जो कि किसको नहीं पता, श्योरिटी को नहीं पता, तो श्योरिटी उस चीज के लायबल नहीं है। श्योरिटी से आप नहीं बोल सकते कि आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास हो गए रेवोकेशन बाय नोटिस, रेवोकेशन बाय डेथ, डिस्चार्ज बाय वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और हमारे पास कौन कौन, नेक्स्ट हमारे पास है रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। अगर प्रिंसिपल डेटर अपने हिस्से का काम पूरा कर दे रहा है तो इसका मतलब वो डिस्चार्ज हो गया, तब जब उसका काम पूरा हो गया तो श्योरिटी का काम तो बीच में रह ही नहीं गया, तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो गया। देन इन कंपोजिशन और एक्सटेंशन ऑफ टाइम और प्रॉमिस नॉट टू सू। अगर ऐसा होता है कि प्रिंसिपल डेटर से जो है क्रेडिटर दोनों के बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है क्या कि इस तरीके की कि मुझे टाइम दे दीजिए, अगर प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर से बोल देता है कि मुझे टाइम दे दीजिए अपने जो प्रॉमिस है उसको पूरा करने के लिए, तब श्योरिटी का रोल खत्म हो जाता है। या फिर उसको बोल दे, क्रेडिटर ये बोल दे ठीक है मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, यानी श्योरिटी के बिना जानकारी के ये बना ले कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको सू नहीं करूँगा इनकेस यू डिफॉल्ट ऑन योर पेमेंट। अगर जो है प्रिंसिपल डेटर पेमेंट नहीं करता, क्रेडिटर उसको बोल देता है कि ठीक है मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ तो मैं आपको सू नहीं करूंगा, तो उस केस में भी श्योरिटी का रोल खत्म। फिर आ जाइए ये है नेक्स्ट हमारे पास क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन। अगर क्रेडिटर का ऐसा एक्ट होता है या क्रेडिटर ऐसा कोई काम करता है, मना करता है करने के लिए, जिससे श्योरिटी को नुकसान होता है, तो श्योरिटी जितनी उसने पहले दी थी उतनी पेमेंट करने के बाद आगे के लिए लायबल नहीं होता। श्योरिटी से छुपाई जाती है या उसको मिसरिप्रेजेंट किया जाता है किसी बात को जो कि श्योरिटी को नहीं पता, तो उसके लिए भी श्योरिटी लायबल नहीं होगा। ये हमने पहले भी पढ़ा है 142 और 143 सेक्शन ये बोल रहा है। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर ऐसा होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट बना था उसमें बात हुई थी कि कुछ कोश्योरिटीज बाद में ज्वाइन करेंगे जब अग्रीमेंट बनेगा, तो एक श्योरिटी जिसने बोला ज्वाइन करने के लिए उसने तो ज्वाइन कर दिया, बाकी ने नहीं करा, तो जो जिस बंदे ने हाँ करा है, जो बंदा अग्रीमेंट करने के लिए आ गया टाइम पे कर रहा है आपके अग्रीमेंट को साइन, बाकी कोश्योरिटी नहीं आए हैं तो वो भी मना कर सकता है, उसके काम भी खत्म हो गया। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसके बाद डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, क्या श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो सकता है, बाय रिवोकेशन बाय नोटिस इन केस ऑफ कंटेनिंग के कॉन्ट्रैक्ट कंटेनिंग गारंटी, डेथ हो जाती है, डिस्चार्ज इन वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द नोटिस टू श्योरिटी, फिर रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, ऑन कंपोजिशन और एक्सटेंशन ऑफ टाइम और प्रॉमिस नोट टू सू, एंड नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन, इन द सेवंथ वन इज कंसीलमेंट और मिसरिप्रेजेंटेशन, और इसके अलावा कोश्योरिटी अगर जो नहीं करते हैं तो। आई होप क्लास अच्छी लगी है तो आप प्लीज सब्सक्राइब का बटन जो है प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।